सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में डिंकम के। डिंकम के पिछले एपिसोड में आपको बताओगा कि हमने जो कॉम्पैक्टर है ना गाइस, वो यहाँ पे पब्लिक डिमांड पे बनाया था। और गाइस थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे को ये चीज़ बनाने के लिए बोला था, क्योंकि ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है गाइस चीज़। और अभी आज के इस एपिसोड में जो ना गाइस, हम और कुछ खतरनाक सी चीज़ें जो ना गाइस वो डिंकम में करने वाले हैं। बाकी गाइस एक चीज़ में सोच रहा हूँ, ठीक है, एक काम कर लेता हूँ। वैसे मेरे को अभी तो ये करना नहीं चाहिए, बट क्या मैं अपना सामने रेंदो मैं अपना सामान बेचने के बारे में सोच रहा हूँ यार। बट अभी अगर बेच दिया ना तो भाई 10 मिलियन का जो अपना गोल है ना गाइस, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको बताइए गाइस कि मेरे को एक ही बारी में 10 मिलियन जो है ना गाइस, वो टोकन्स डिंग्स जो है ना गाइस, वो भाई यहाँ पे इकट्ठा करने हैं, सो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो ना गाइस नहीं करते, छोड़ दो भाई, ठीक है। 10 मिलियन एक ही साथ ही में एक ही बारी में जो ना गाइस अपन यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। तो भाई लोग क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका डिंकम के एक और नए एपिसोड में। डिंकम के पिछले एपिसोड में हमने कंपैक्टर जो ना गाइस वो बना लिया था, और आज भी हम कुछ ज्यादा खतरनाक से मजे करने वाले। बट गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बनते होंगे यार चैनल पे, जो ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, बट आपसे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे प्यारे प्यारे से गेमिंग विद्यानी के चैनल का और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी गाइस हमारा सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है गाइस, वो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हो गाइज, तो नीचे दिए हुए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को जो ना गाइज सपोर्ट कर सकते हो। आपका छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, तो जरूर से सपोर्ट करने की कोशिश करना। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कर दे आज के एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के, और मचा डाल दे फुल टू दबाई। बाकी गाइज यहाँ पे रुक जाओ, पहले तो गाइज हमेशा की तरह अंडे उठा लेने गाइज, हमको और कुछ खास चीज नहीं करनी है, अंडे उठाने खाली। ओके 1000 अंडे तुम्हारे भाई के पास आ चुके हैं टोटल, 1000 प्लस अंडे भाई, ठीक है। और इन अंडों से जो ना गाइस काफी ज्यादा फायदा तुम्हारे भाई को यहाँ पे होने वाला है। बाकी चीज जो है ना गाइस वो 50 बंदे दो, और जो भाई हमारा यहाँ पे हमने प्लांट करे ना गाइस कॉर्न्स, वो भी यहाँ पे उगने दो। ये जब कॉर्न बिन सारे उगे हो जाएंगे ना, तभी अपन जाके जो है ना गाइस यहाँ पे उस बोट वाले बंदे को सारा सामान बेचने वाले हैं। अभी तो गाइस रुक जाओ, इनको भाई खाना पीना दे देता हूँ, एंड 11 बज रहे तो भाई थोड़ी सी मुर्गियाँ भी खरीद लेता हूँ। बाकी आज भाई ट्यूसडे है ना शायद, अच्छा ट्यूसडे है भाई, इधर आओ रे मुर्गियों, खा लो खाना खा लो भाई मस्त बेकी। चलो गाइस सारा सामान जो है ना गाइस डाल के रख देता हूँ यहाँ पे। चीज बीज बनाने के लिए मैंने डाल दिया गाइस यहाँ पे, ब्रू भी बनाने के लिए डाल दिया, अंडे 1000 जो है ना तुम्हारे भाई के पास होने वाले लगभग भाई, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड हड्डी तो यहाँ पे नहीं डालने वाला यार, हड्डी यहाँ पे डालूंगा। अभी नेल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेल्स तो यहाँ पे होनी चाहिए भाई, हाँ जी ठीक है। चलो भाई गार्डन लैम्प से भाई, इनका अभी फिलहाल के लिए कोई यूज नहीं है। सो आज जो है ना गाइस मैं कुछ नई चीज़ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। नहीं एक साइलो भी लो करके कोई चीज़ होती है, पब्लिक बोल रही थी बना दो, जो काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। सो वो चीज़ है कहाँ पे गाइस, स्पिनिंग व्हील है, चीज़ मेकर है कहाँ पे, कंपोजिट व्हील है, बी हाउस है भाई कहाँ पे, वो चीज़ है जो पब्लिक बोल रही थी बना लो काफ़ी काम आएगी, दिख नहीं रही है। स्टोरेज बैरल है, केक है, ठीक है केक के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स चाहिए। बाकी गाइस जो पब्लिक बोल रही थी वो चीज़ दिख नहीं रही यार मेरे को, ठीक है रुक जाओ। फ्रैंकलिन वाले के पास कौन कौन सी चीज़ें ज़रा एक बार देख लूँ मैं, फ्रैंकलिन अंकल के पास ना कौन सी चीज़ें मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ भाई, ठीक है। बाद में जाके मैं मुर्गियाँ बिरगियाँ खरीद लूँगा भाई। ये तो स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील तो मैं पहले से सीख चुका हूँ भाई, हाँ स्पिनिंग व्हील तो पहले से सीख चुका हूँ। हाँ जी फ्रैंकलिन सर मेरे को बताओ कि, हाँ जी आपके पास वेदर स्टेशन क्या काम आता है भाई, स्पिनिंग अराउंड द प्रेडिक्शन द वेदर सम हाउ, वेदर प्रिडिक्ट करता है भाई ठीक है। रिपेयर टेबल है अपने, रिपेयर टेबल नहीं बनाया मैंने, बाकी रिपेयर टेबल मैं बना सकता हूँ ना गाइज, इसमें क्या रिपेयर होगा, अपने टूल्स रिपेयर होंगे शायद भाई, चार्जिंग स्टेशन, गाचा मशीन के बारे में पब्लिक बोल रही है, मेरे को बोल रही है गाचा मशीन बना लो, ठीक है। चलो गाइज आज गाचा मशीन बना लेते हैं, कितना भाई पैसा कितना चाहिए, 70,000 14 दो बना लेते हो गाचा मशीन भाई, ठीक है। बाकी सर गाचा, अच्छा एक ही बना पाऊंगा, दो दिन मेरे को स्किप मारने पड़ेंगे भाई गाचा मशीन के लिए, गियर ग्लास बोर्ड टॉय और आयरन भाई ठीक है। चलो थोड़ा सा याद तो रख लिया क्या क्या चाहिए, बाकी एक काम कर लेते हैं, बैंक से थोड़े पैसे निकालने पड़ेंगे या फिर एक काम कर लेता हूँ गाइस, मैंने बोला था इमरजेंसी के टाइम पे ये चीज़ें काम आएंगी, ये वैसे भी मैं भाई कंधे पे उठा के लेके नहीं जा सकता, वो बोर्ड पे बेचने के लिए, ये आपको भी बताया भाई ठीक है। सो अभी टाइम आ चुका है इनको सेल करके पैसा कमाने का, 80,000 घर जाएंगा जॉन दे रहा है इसमें,
चलो आ जाओ, रुक जाओ, 80,000 मिल चुके हैं। वैसे हमको चाहिए भाई गाचा मशीन जो है ना, पब्लिक बोलेगी गाचा मशीन हमको डेली रैंडम चीजें देती है, ठीक है, रैंडम और काफी अच्छी अच्छी चीजें देती है। सो पब्लिक बोले तो अपन बना लेते गाचा मशीन भी भाई, ठीक है आप भाई। हाँ जी रूबी 1.5 किलो 96,000, दैट्स कूल डूड गाइस। कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा तेरे भाई को, कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा। चलो आ जाओ भाई, ये सब कुछ भेज देता हूँ भाई। 1 मिलियन भाई रूबी बेचने से मिल जाएगा मेरे को, शायद मिल जाएगा भाई, देखते चलो। 47,000, ये बहुत सस्ता बिका यार, बहुत सस्ता बिका। क्या बोलती कितना, क्या कौन सा मिशन कंप्लीट हो गया सर? 200 टोकन मिल गया अपन को, ठीक है अच्छी बात है। हमको खाली और 400 टोकन चाहिए, उसके बाद हेलीकॉप्टर तेरे भाई के पास, ठीक है, हेलीकॉप्टर तेरे भाई के पास आ जाएगा भाई, ठीक है रुक जाओ मैं बेच देता हूँ भाई, ये बेच देता हूँ। हाँ जी कितना है, 1.5 किलो 3 किलो 75,000, ठीक है चल भाई। वैसे 4 लाख टोकन से हमको चाहिए होंगे भाई, नहीं 4 लाख डिंग से हमको चाहिए होंगे गाइस, ठीक है। ये बैंक में मैं नहीं डालने वाला, बैंक में 1 मिलियन वैसे पड़े रहने दो। ये 4 लाख जो भाई डिंग से ना, वो कहाँ पे उड़ जाएंगे ना भाई, पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी रूबी कितना है, 60,000, ठीक है चल दे दे बेटा, ओके गाइस रुक जाओ, सारे रूबीज बेच देता हूँ। आ जाओ चलो भाई, ये संभाल के रखे थे रूबी मैंने इमरजेंसी के टाइम पे, और अभी इमरजेंसी का टाइम है। बैंक में जो ना गाइस 1 लाख भाई डिंग जो ना गाइस जो पड़े रहने चाहिए वैसे। हाँ जी कितना बता, 46,000, ठीक है चल कोई ना, जान तू भी मेरा फुद्दू काट रहा है, सस्ते में ले रहा है मेरे से रूबी है। बाकी ये वाला भाई मेरे को बेचना चाहिए कि नहीं मेरे को बतानी यार, रुक जाओ। ये लो बेटा, ये लो। हाँ जी आ जाओ सर, हाँ जी खा लो खाना। ए बाकी दुद्ध बिद्दू निकाला करे तुम लोग का, बकेट से दुद्धू नहीं निकाला ना अभी तक आई थिंक। अरे यार दुद्धू निकाला नहीं यार मैंने भाई, बता भी नहीं रहे ये भाई कि दुद्धू नहीं निकाला, दुद्धू निकाल लो मालिक आके, ऐसा थोड़ी होता है भाई। दे दो दुद्धू, दे दुद्धू, दो दुद्धू, दो दुद्धू, दो ए सारे दुद्धू, दो ए दुद्धू दुद्धू, ए दुद्धू, हाँ दुद्धू देना पड़ेगा बाबा, दुद्धू देना पड़ेगा, दुद्धू दो दुद्धू दो दुद्धू, पॉटी भी उठा रहा हूँ मैं। चलो गाइस। हाँ जी दुद्धू जो ना गाइस वो ले लेते हो एकदम मस्त बिकिन से। बाकी इनका जो गाइस पेन से ना गाइस वो मेरे को बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है। ओ यहाँ पे इनके लिए मेरे को घर भी लगाने दे गाइस, थोड़े से घर भी बनाने हैं मेरे को। दो 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 दे दिया ना सबने, सबने दे दिया आई थिंक, दुद्धू सबने तो दे दिया, सबके सामने वापस से डबल डबल जाके ऐसा बोल रहा हूँ कि दुद्धू दे दो, देखता हूँ दुद्धू दे कि नहीं। 3 बच्चे हो रहे हैं अपने पास, वो भी बड़े होने वाले हैं, और उनके लिए भी ये जगह जो है ना गाइस वो काफ़ी कम पड़ रही है। हेलो जी, हाँ जी हाँ जी, ये लो हाँ जी, ये लो हाँ जी, ये लो हाँ जी, ये लो यहाँ पे डाल देता हूँ, ये लो खाना खा लो जी, मुर्गियों ने भी खाना खा लिया है। आ जाओ चलो, बाकी इसको मैं ग्राइंडिंग व्राइंडिंग में इंसर्ट विंसर्ट नहीं कर सकता ना कहीं पे, इसको बचा के रख देता हूँ, ये भाई बहुत ज़्यादा रेयर है। एक टाइम के लिए अपन को रूबी मिल जाएगी, बट ये येल्लो येल्लो जो चीज़ है ना गाइस वो मिलती नहीं है। बाकी वो येल्लो चीज़ किस काम की है ये भी मेरे को बतानी है। ये ले भाई रूबी बेच रहा हूँ भाई, सारी रूबी बेच रहा हूँ मैं। कितना मिला, कितना, अरे 98,000, अरे जॉन करोड़पति बना के रख देगा। 1 मिलियन मेरे को रूबी बेचने से ही ना मिल जाए यार, नहीं मिलेगी 1 मिलियन तो नहीं मिलेंगे यार, इतना तो नहीं मिलेगा। 2 रूबी बची है खाली, शायद भाई 8 लाख डिंग, शायद 8 लाख डिंग मिल जाएंगे। देख दे कितना है, 3 किलो 60,000, ठीक है थैंक यू सर। कितना हो गया, 7,000 हो गए, ठीक है भाई। ये 7,000 डिंग जो ना वो ऐसे निकल जाएंगे यार अपने, ठीक है चलो। 1 रूबी रख दूँ क्या मेरे पास शो के लिए, नहीं दो ये भी बेच देता हूँ। हेलो जी, हाँ जी कितना बोले तो, बोले तो भाई 50,000, ठीक है चलो लेट जो भाई, मजाक हो रहा है क्या, लास्ट वाली रूबी भी बेच देता गाइस अपन, एंड अपने पास होगा अंधा पैसा भाई, ठीक है। बाकी रूबी जो है ना गाइस अपन 2 बार माइन करने जाएंगे ना, तो 7-8 रूबी लेके आएंगे अपन, रूबी का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। रूबी अपने पास आज ही आ जाएंगी, 50,000 और भाई, ठीक है 8 लाख गाइस टोटल जो ना गाइस हमारे पास डिंग्स हो चुके हैं गाइस, ठीक है। और इनसे ना हम काफी सारी चीजें बाय कर सकते हैं, सबसे पहले जाके मुर्गियों को बाय कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और जॉन के पास से गाचा मशीन में बनाने वाला हूँ, टेंशन नको लेना, मुर्गियां और भाई वोम्बैट, ठीक है। हाँ जी 15,000 में दे रहा है, दे। स्टेफनी नाम है भाई, और खाना भी खरीदना है ना गाइस मेरे को, रुको खाना कितना है, 188 यार, इतना खाना आजकल कम पड़ जाता है भाई, ये खाना कम पड़ जाता है भाई, पूरा दिन में भाई 150-200 पैकेट खा जाते हैं यार एक दिन में ये लोग, ठीक है। अभी भाई मेरे पास काफी सारे भाई डिंग्स पड़े हुए, तो मैं खाना ज्यादा खरीद लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है चलो इतने से काम बन जाएगा। चलो गाइस तो मुर्गिया और ये जो भाई हमारे पैर पैर से वोम्बैट है गाइस वो खरीद लेता हूँ मैं यार। चलो गाइस हो गया भाई, यहाँ पे मुर्गिया बिर्गिया खरीद के, 2 मुर्गिया और 1 वोम्बैट हर रोज की तरह अपन ने खरीद लिया भाई यहाँ पे। इनका भाई मेरे को भाई पेंट से वो एक्सपैंड मारना पड़ेगा भाई, ठीक है, और कोई चारा नहीं अपने पास। आ जाओ चलो, सो अभी सबसे पहले तो भाई दुद्ध बिद्ध भाई यहाँ पे डाल दो,
सिंपल सी बात है, दूध यहाँ पे डाल दो, पॉटी साथ है अपने पास, पॉटी से मैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए डाल देता हूँ, रुको इस बॉडी से फर्टिलाइजर बनाने के लिए डाल देता हूँ। ऑलराइट, अभी शॉवल की ज़्यादा ज़रूरत मेरे हिसाब से हमको पड़ने नहीं वाली है, मिट्टी हटाने के लिए खास करके कहीं से। ऑलराइट, सो यहाँ पे भाई एक और पॉटी, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे डाल देना भाई। हाँ डन, अरे एक और पॉटी भाई पड़ी हुई है, रुक जाओ पॉटी उठा लेता हूँ भाई, रुको पॉटी उठाना जरूरी है। उठा लिया ना पॉटी, इनके घर भीर में पॉटी तो नहीं ना, डाल देते कभी कभी ये लोग घर में पॉटी। ठीक है चलो, ऑलराइट खाना खाने, तो खाना खा लो जी, खाना तो सारे मुर्गियों ने खा लिया मेरे हिसाब से तो। ठीक है चलो आ जाओ, तो अभी पटाख से अपन चल दे, और अभी 5 बजने वाले, जल्दी कर ले, शॉप बंद ना हो जाए कहीं पे। हाँ शॉप बंद ना हो जाए यार, आयरन चाहिए था, ये चाहिए था, माउस बोर्ड, और शायद ये भी चाहिए था मेरे को। ठीक है चलो आ जाओ भाई, सारा सामान ले लिया है ना। वैसे आज एक ले लूँगा मैं गाचा मशीन, और कल एक ले लूँगा भाई, ठीक है आज और कल। वैसे मैं 3-4 ले सकता हूँ गाचा मशीन भाई, 3-4 ले लूँ क्या मैं? वैसे 3-4 दिन लग जाएंगे। ओके अभी एक फिलहाल के लिए एक ही खरीद लिया, ग्लास और बल्ब चाहिए क्या? बल्ब लेके आता हूँ भाई, ठीक है। फ्रैंकलिन जो है ना गाइस, वो ज़्यादा कुछ सामान देता नहीं, आपको भी बताया भाई, मतलब एक ही बारे में खाली हम एक ही सामान बना सकते हैं, वो सीन है। ओके ठीक है चलो भाई, बल्ब यहाँ पर रख लेता हूँ, बाकी डे मेरे को खाली स्किप कर लेना है भाई, ठीक है। दो गाच क्या 5 बजे बंद होता है यार फ्रैंकलिन, ऐसा मत करना प्लीज, 5 बजे बंद होता है ना तेरा शॉप। हेलो भाई, पूरा दिन बर्बाद हो गया भाई आज, अब दिन बर्बाद हो गया आज का तो। वाह बेटे वाह, वाह भाई वाह, 2 गाचा मशीन बनाने वाला था मैं, मेरे को लगा मैं एक ही बना पाऊंगा गाइज। हाँ बेचा सो जाते भाई, फ्रैंकलिन ने चोमू बना दी अपन को भाई, फ्रैंकलिन ने चोमू बना दिया यार भाई, मेरे को टाइम देखना चाहिए था, मेरे को पता नहीं था यार। बाकी 7 लाख टोटल डिंग्स जो है ना गाइज, हमको खाली यहाँ पे रूबीज बेचने से मिले भाई, ठीक है 7 लाख डिंग्स टोटल। ठीक है आ जाओ भाई, क्या हाल यार, कट गया यार तेरे भाई का, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कटा भाई, क्या ही बोले यार ची बे हट भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, पता है गाइज ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे को पता नहीं था भाई। मैं अभी जो ना गाइस जल्दी जल्दी काम करूंगा, मैं मुर्गियाँ भी नहीं खरीदने वाला, जाओ रेंदो भाई, मुर्गियों के अंडे मिंडे निकाल लेता हूँ, वो मुर्गियाँ खरीद लेता हूँ यार, कोई ना आ जाओ चलो भाई, मुर्गियाँ खरीदे बिना कैसे काम चलेगा। बाकी गाइस यहाँ पे ना भाई थोड़ा सा चीज़ बनाने के लिए डाल देता हूँ, 8 बजे जैसे शॉप ओपन होगा ना, पहले जाके भाई यहाँ पे बना लूंगा वो चीज़, ठीक है। गाचा मशीन जो भी बोल रहे थे पब्लिक, गाचा मशीन बना लूंगा मैं भाई, ठीक है। गाचा मशीन रखने के लिए तो अपन का अच्छा वो जगह है, वहाँ पे लगा दूंगा मेरे को, ये देख रहे हो यहाँ पे ना गाचा मशीन लगा दूंगा मैं, यहाँ पे गाचा मशीन कहाँ पे लगाऊंगा बताए, यहाँ पे तो बियर बैरल लगेंगे, यहाँ 2 गाचा मशीन लगा दूंगा मैं, ठीक है चलो आ जाओ। ये ले भाई, ये ले 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 भाई, रुक जाओ भाई, पीना नहीं है गलती से भी, पीना नहीं है बेटा, ठीक है पीना बिल्कुल नहीं है, पीना नहीं है भाई, ठीक है चलो। बहुत महंगा है भाई ये मिल्क, पीना नहीं है, आ जाओ चलो। ऑलराइट, चीज़ बनाने के लिए मैंने डाल दिया है, अभी फटाक से 8 जैसे बज दे ना, जाके फटाफट से गाइस यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ओके सारी चीज़ें मेरे इन्वेंटरी में पड़ी हुई है, और फर्टिलाइजर, रुक जाओ दूध निकाल लेता हूँ, पहले दूध निकाल लेता हूँ गाइस, डेली का जो काम है बोरिंग सा वही करना पड़ेगा हमको। गाचा मशीन से बाकी डेली मिलता है क्या गाइस हमको रिवॉर्ड? शायद डेली मिलता होगा, पब्लिक ने इतना बोला है तो शायद डेली मिलता होगा। इधर आओ मुर्गियों, मुर्गियों पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुबह हो गई मामू, हाँ आ जाओ इधर, इधर आओ। वाह मैं भी भाई बावड़ा हो भाई, मुर्गी अगर अभी उधर भग गई तो नहीं भगेंगे, बी पॉजिटिव, नहीं भगेंगे। अबे यार उसको वो बाद में कर ले, पेट अंडे उठा ले पहले, अंडे गरम गरम अंडे उठा दो भाई पहले। भाई साहब भाई मैंने डायरेक्टली चेनसॉ से काट ही दी थी भाई पेंस, 8 नहीं बजे अभी तक, 8 नहीं बजे, नो प्रॉब्लम हो। ए मुर्गी इधर आओ भी, इधर आओ, पहले इनके फटाक से अंडे उठा लेता हूँ। बाकी खाना खाने के बाद कुछ कुछ मुर्गियाँ जो ना कैसे वो अंडे देती है यार, ठीक है खाना खाने के बाद देती है, तो मेरे को थोड़ा सा भाई वेट करना चाहिए था। चलो कोई ना, नो प्रॉब्लम, वो अंडे वो जमीन पे पड़े रहेंगे, खा लो खाना खा लो। बाकी गाइस अंडे उठा लेता हूँ, दूध निकाल लेता हूँ, और दे मेरे को जल्दी जल्दी स्किप करना है गाइस, ठीक है जल्दी जल्दी स्किप करना है। सामान अपने पास है, पैसा अपने पास है, खाली अपन वो गाचा मशीन चाहिए, हो सका तो मैं 3 बना लूंगा गाइस, देखता हूँ चलो मैं 3 गाचा मशीन बना लूंगा, जल्दी जल्दी स्किप कर लेना है। ये ले बेटा, ये ले 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 ले, हाँ भाई ये खाना पीना भाई इनको, भाई खाना देना पड़ेगा गाइस, भुक्कड़ बहुत ज़्यादा है, ये भी भाई सबको खाना दे देता हूँ। हेलो, ये लो जी खाना कैसे, अभी मुर्गियों को मैंने डाल दिया है, ठीक है अभी यहाँ पे दूध निकालने का टाइम आ चुका है। शिला की जवानी, हाँ ये ले भाई, मियाँ जी भाई मार लेगी जी, दूध दो सारे दूध दो,
जल्दी जल्दी जल्दी, एक डबल एक ट्रिपल एक का। हाँ भाई दो 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 दो, दस दस बोतल तो मिलती है कम से कम, मेरे को बताया भाई। आठ हो चुके अभी तो, मतलब किसी ने तो दिया नहीं दूध। कौन काम चोरी कर रहा है भाई? नौ बोतल हो गई भाई। हाँ दस बोतल दूध चाहिए कम से कम। हाँ बीस बोतल तो कम से कम मिलनी चाहिए भाई, सब भाई टोटल मार के। मुर्गियों खा लिया क्या? हेलो खा लो खा लो खा लो और खा लो। मैं बोला था ना गाइस अंडा दे दिया, देखना एक ने अभी अंडा दिया खाना खाने के बाद, ठीक है ना, अभी खाना खाने के बाद अंडा दिया। चलो कोई ना, बाकी इनका भाई दुद्धू निकालता और को। हेलो भाई दुद्धू 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 मैडम जी दुद्धू, आपने दे दिया दुद्धू लग रहा है, दे दिया। अच्छा इसने नहीं दिया था, दे दो दुद्धू, दे दो दूध दे दो मैडम जी। भाई भाई पकड़ लेके मुँह के पास जाना पड़ रहा है। हाँ इसने मिल्क दे दिया, अच्छा बात है। चलो चलो गाइस हो गया भाई, शायद मेरे हिसाब से मैंने मिल्क निकाल दिया है। अभी मैं पटाख से जाके जो है ना गाइस सो जाता हूँ, क्या बोलते हो? अरे सोना नहीं है, अबे मैं भूल गया, मशीन बना दी है यार, मशीन बना के मैं सो जाता हूँ पटाख से गाइस, ठीक है। ऐसे कर करके जो है ना गाइस डेली यही रूटीन कर करके ना अपन बहुत सारे जो है ना गाइस यहाँ पे गाचा मशीन बना लेंगे। ऑलराइट यहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ है, अंडे को उठाओ कैसे? अंडे को उठाना है यार मेरे को, अंडे को उठाना है वो। हाँ उठ गया भाई, ठीक है उठ गया। बाकी मुर्गियों को एक दिन खाना नहीं दिया तो कोई सीन नहीं है ना ज़्यादा, मेरे को तो नहीं लग रहा। हार्ट बीट थोड़ा सा कम हो सकता है, वैसे मैक्सिमम मुर्गे ने तो खा लिया है। चलो गाइस अभी गाचा मशीन जो है ना गाइस वो बना लेते हैं फ्रैंकलिन के पास से, और उसके बाद जो है ना गाइस वापस से कल भी यही रिपीट करना है अपन को प्रोसीजर, ओके। और ऐसे कर करके वेनेसडे ना, कल तो शायद बंद नहीं होगा इसका, देखता हूँ। चलो हाँ जी गाचा मशीन दे दे, गाचा मशीन। हाँ जी अंकल जी ये वाली मशीन, ओके देखते हैं गाइस। अभी आपने बोला कि काफी उपयोगी चीजें मिलती है, सो देखता हूँ गाइस कि इससे मिलता क्या है भाई, ठीक है। हाँ जी चलो, अच्छा कल तक भाई डिलीवर हो जाएगी तो जाके मैं सो जाता हूँ। ऑलराइट मैं जाके सो जाता हूँ और देखते हैं गाइस कि गाचा मशीन से अपन को क्या क्या लूट मिलती है। ऑलराइट और मेरे हिसाब से एक दो दिन में हमारी फसल जो है ना गाइस वो भी यहाँ पे उगने वाली है। मुर्गियों ने खाना खा लिया है, नो प्रॉब्लम हो, मैं और मुर्गियाँ जो है ना गाइस वो खरीदने नहीं वाला, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ भाई इनकी पॉटी जो है ना गाइस वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, बाकी इनकी पॉटी डाल देता हूँ फर्टिलाइजर बनने के लिए। ऑलराइट लेट्स गो, अभी चलते हैं अपन फटाफट से सटासट से। मेरे को देखने तो ब्रू बना के, पहले ब्रू बनाया क्या? वरना थोड़ा सा ब्रू बनाने के लिए डाल देता हूँ, नहीं बनाया अभी तक। चलो गाइस अभी सो के ना डे स्किप कर लेते और गाचा मशीन जो है जो क्या चीज है वो देख लेते हैं भाई, ठीक है। सो लेट्स गो, यहाँ पे अपन सो गए और अभी हमको जो है गाइस मिलने वाली है यहाँ पे गाचा मशीन ना मेरे भाई, लेट्स गो। तो गाइस गाचा मशीन आ चुकी है यहाँ पे भाई, ठीक है। और ये रहा फ्रैंकलिन का मेल एंड ये रही गाचा मशीन भाई, ठीक है आ जाओ चलो। ऑलराइट सो ये गाचा मशीन में लगा दूंगा इधर कहीं पे। ऑलराइट यहाँ पे ओ ब्रू भी बन चुका है, नाइस दैट्स कूल ड्यूड। हाँ जी यहाँ पे ओके सो अच्छा डेली ऑटोमेटिकली देगी क्या? मेरे को ई भी दबाने की जरूरत नहीं है ना गाइज, शायद से मेरे को ई भी दबाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेली अपन को देती रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं लग रहा है, ठीक है चलो अच्छी बात है। दस उठा लिया, हाँ दस दुद्धू यहाँ पे डाल दे भाई, दस दुद्धू जो ना गाइस यहाँ पे डाल देता हूँ एंड सेम चीज़ वापस से रिपीट कर लेनी है अपन को, ओके। थोड़े से फ्लावर चाहिए होंगे मेरे को ताकि मैं उसके अंदर थोड़ा सा और ब्रू बनाने के लिए डाल सकूँ गाइस, ठीक है। रुक जाओ मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ फ्लावर्स को, यहाँ पे अपने पास होंगे फ्लावर्स, मैं यहाँ पे डाल दूंगा दुद्धू को, दुद्धू को ब्रू को इसको फर्टिलाइजर को। ऑलराइट एंड जो फ्लावर्स है और चीज़ को और अंडों को भी भाई, ठीक है चीज़ और अंडे भी डाल लेता हूँ। 1000 भाई नॉर्मल वाले अंडे 1000 प्लस हो चुके हैं अपने पास। ऑलराइट लेट्स गो, अभी मैं यहाँ पे ब्रू भी थोड़ा सा बनाने के लिए डालता हूँ। गाचा मशीन गाइस तेरे भाई के पास आ चुकी है। ऑलराइट ब्रू वाला कोई मिशन कंप्लीट, 100 टोकन और 300 और टोकन चाहिए गाइस, 300 नहीं 250 भाई, 250 से भी कम टोकन चाहिए। उसके बाद हम लोग बड़े आराम से जो है गाइस यहाँ पे क्या कर सकते बताओ, हेलीकॉप्टर बना डालेंगे भाई, ठीक है भाई हेलीकॉप्टर बना डालेगा तेरा भाई। रुक जाओ बाकी यहाँ पे पानी शानी डालने दो मेरे को। ऑलराइट मेरे को यहाँ पे पानी शानी डालने दो, फिर मुर्गियों के अंडे जो है ना उठा के मैं भाई जॉन के पास जाके फटाक से सटाक से यहाँ पे फ्राइडे को आई थिंक फ्रैंकलिन का को फ्रैंकलिन का शॉप जो है ना गाइस मेरे हिसाब से बंद होता है गाइस। कल आई थिंक फ्राइडे है, सो कल से शॉप बंद होगा तो अपन दो ही गाचा मशीन गाइस बना पाएंगे, मतलब ले पाएंगे लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे इनका जो ना गाइस, रुक जाओ इनको खाना पानी दे देता हूँ एंड पहले भाई इनके अंडे उठा लेता हूँ मैं भाई, ठीक है। इधर आओ मुर्गियों, कम यार, हाँ सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ, सारी मुर्गी इधर आओ, आ जाओ आ जाओ मस्त विकी, हाँ आओ 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 आओ, कम ऑन कम 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 कम। हाँ जी हाँ जी बस वहीं पे बैठे रहना चुपचाप, बाकी मैं भाई यहाँ पे फटाक से इनके अंडे जो ना गाइस उठा लेता हूँ भाई सारे के सारे।
ठीक है। ए भाई ए पेट बीट नहीं करना था मेरे को, अंडे उठाने खा लेगा इसे आप। ओके सो गाइस, इनको खाना भी ना चुना गाइस, मैं डाल देता हूँ मुर्गियों को। मुर्गियों को खाना भाई आपको बताइए गाइस कितना ज्यादा चाहिए होता है। सो मुर्गियों को खाना भी ना डाल देता हूँ, उसके बाद गाइस हम लोग जो ना गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन के पास जाके गाचा मशीन एक और बना लेंगे भाई। तो गाइस अंडे बिंडे उठा के और मुर्गियों को खाना शाना डाल के जो ना गाइस हो चुका है, अभी खाली मेरे को दुद्धू निकालना है भाई। ठीक है, दुद्धू दे दो दुद्धू अंकल जी, दुद्धू दे दो। 10 बोतल कम से कम चाहिए भाई, 10 बोतल। नहीं देगी दुद्धू नहीं दे रहा। अरे वो उसका हार्ट शायद कम होगा या फिर अभी भाई वो एडल्ट हुआ होगा गाइस, इसलिए भाई दुद्धू नहीं दे रहा। दुद्धू तो ग्रुप में बैठे भाई, ग्रुप में बैठे भाई, झुंड में बैठे यहाँ पे लोग। देख रहे हो भाई, दुद्धू दो सारे दुद्धू दो। ए भाई दुद्धू। अच्छा ये दुद्धू नहीं दे रहा भाई। अच्छा कुछ लोग भाई दुद्धू नहीं दे रहे यार यहाँ पे। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। दे दो। हाँ भाई यहाँ पे ये सारे लोग दे रहे। 10 बोतल तो चाहिए यार मेरे को दुद्धू की, कम से कम 10 बोतल दुद्धू की चाहिए। कितना मिल गया अपन को? 7 और 9, इतनी कम कैसे? ए भाई खाना खा लो भाई, लेकिन दुद्धू दे दो मेरे को। खाना खा लो। मुर्गे तुम भी खा लो भाई। 7 ही बोतल दी है भाई, कम से कम 10 बोतल मिलते हैं रोज मेरे को भाई, हाई क्वालिटी का मिल्क की। आज हाई क्वालिटी का मिल्क जो ना कहीं ज़्यादा नहीं मिल रहा भाई, कैसे टूट पड़ी है भाई, जैसे जिंदगी में कभी काटा ही नहीं मिला मेरी मुर्गियों को भाई। रुकना, हाई क्वालिटी दुद्धू जो है यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा भाई हाई क्वालिटी दुद्धू भाई? इतना कम कैसे मिला हाई क्वालिटी दुद्धू? खाना तो खा लिया भाई इन लोगों ने, बट हाई क्वालिटी दुद्धू नहीं दे रहे मेरे को। वो मे भी ये भाई 2 दिन में एक बार दे देगा दुद्धू शायद भाई, शायद आज इनका मूड नहीं देने का इसलिए नहीं दे रहे यार, आज लग रहा है मूड नहीं है। ठीक है चलो कोई ना, फ्रैंकलिन के पास चलते और अपना काम 25 करके आ जाते हैं भाई। ठीक है ये ले भाई, खा लो भाई। 400-500 लेके आया था, सारी की सारी खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। ये लो खा लो मैडम जी, खा लो मुर्गियों खा लो। चलो भाई पॉटी कितने अपने पास? 3 पॉटी है ना, रुक जाओ। इन पॉटी से अपन डाल देते यहाँ पे बनाने के लिए फर्टिलाइजर। बाकी भाई अंदर पॉटी पड़ी हुई है मेरे को नहीं लग रहा, दिखाई तो नहीं दे रही है। लो मैडम जी ये लो खा लो। चलो गाइस फ्रैंकलिन के पास चलते फटाक से और यहाँ पे ना एक और गाचा मशीन बना के लेके आते और कल देखते गाइस कि उस गाचा मशीन से जो ना गाइस हमको मिलता क्या है एक्चुअली में भाई। ठीक है मिलता क्या है देखते चलो। सो यहाँ पे फ्रैंकलिन सर जी, हाउ आर यू सर? ओके एंड मेरे को यहाँ पे गाचा मशीन बनानी है सर जी। हाँ जी दे दो जल्दी। हाँ जी दे दो, लेट्स गो। ओके जी थैंक यू। बाकी ये क्या चीज़ है बता, ये क्या चीज़ है? फ्लावर पॉट। अच्छा फ्लावर पॉट सिखा लिया मेरे को इसने, फ्लावर पॉट। इसके अंदर अपन फ्लावर्स लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए, ठीक है अच्छी बात है। चलो कुछ अच्छी चीज़ मिली है। चलो गाइस अभी सो जाते हैं, डे को स्किप कर लेते हैं और कल मेरे को देखना है कि गाचा मशीन से मेरे को मिलता क्या है गाइस। कोई महंगी सी चीज़ मिल जाए बस यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं भाई, ठीक है? महंगी चीज़ चाहिए गाचा मशीन से, क्योंकि गाचा मशीन बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा जो ना गाइस पैसे अपने वेस्ट हुए भाई। हमने सारा रूबी बेच दिया गाइस गाचा मशीन बनाने के लिए, तो हमको कोई अच्छी सी चीज़ जो ना गाइस वो तो मिलनी चाहिए। आ जाओ चलो अभी भाई यहाँ पे सो के ना डे को स्किप कर लेता हूँ एंड देख देगा इसके हमको मिलता क्या है ना मेरे भाई। ओ आई दो गाचा मशीन आ गए ना तेरे भाई के पास गाइस, दो गाचा मशीन। ओके गेम सेव्ड। ओके जी साली जी आ चुके हैं हमेशा की तरह, बनाना झुक चुके हैं गाइस हमारे पेड़ों पे। ऑलराइट एंड ये रहा भाई इरविन का मेल। इरविन भाड़ में जा भाई, इरविन 5000 का दे रहा है मेरे को। ये मैंने इरविन का क्या करा ऐसे? इट्स अ बिट ऑफ पॉकेट मनी फॉर यू आई नो। अरे बस गया, थैंक यू। पॉकेट मनी दे दी यार, पॉकेट मनी दे दी मेरे को। चलो आ जाओ गाचा मशीन से। ये गाइस ये वर्क कैसे करती रे गाचा मशीन? इफ यू प्लेस मनी इन इट हु विल नो व्हाट विल यू गेट? मतलब क्या? पैसा कैसे डालू मैं? रुक जाना, इस तरह से पैसा मैं डाल सकता हूँ उसके अंदर। हाँ रुक जाओ। अच्छा ऐसा है क्या? रिक्वायर 5000, इसके 5000 चाहिए बोले। ठीक है डाल, इंसर्ट कर। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो ऐसा कौन बताएगा मेरे को भाई ऐसा होता है करके भाई? ऐसा भी होता है भाई, मतलब अभी मेरे को कल मिलेगा सामान? पैसे मैंने आज डाले, पहले सामान कब मिलेगा मेरे को? कल क्या? लग तो ऐसे कुछ रहा यार कि कल मिलेगा मेरे को सामान अभी। ठीक है ये मेरे को बता नहीं था कैसे पैसे भी डालने पड़ते, मेरे को लगा रैंडमली गाइस मिलते रहेगा यार।
और बाद में वहाँ पे मैंने पढ़ा कि भाई मेरे को पैसे डालने पड़ेंगे। ठीक है चलो, अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिला। बाकी गाइस हमने दो गाचा मशीन बना लिए और काफी सारी गाचा मशीन जो है ना गाइस, अपन यहाँ पे जाके ना फ्रैंकलिन के पास से एक हाथ तो एक और बना सकता हूँ मैं, क्योंकि उतना ज्यादा आयरन मेरे पास बड़ा हुआ है। सो एक और जो ना गाइस गाचा मशीन मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन के पास जाके जो ना गाइस बना लूंगा, हाँ, और फिर तो भाई फुल टू तबाही मचा डालेंगे भाई। ठीक है, और मेरे हिसाब से एक दो दिन में जो ना गाइस हमारी फसल भी उग जाएगी, फिर डायरेक्टली एक दिन में 10 मिलियन, कितना गाइस 10 मिलियन तुम्हारा भाई कमाएगा एक दिन में खाली, एक दिन में गाइस। ठीक है, देखना गाइस खाली आप। तो अभी फिलहाल के लिए आज का जो डिंकम का एपिसोड है ये पे खत्म होता है। फाइनली गाइस मैं आपको गाचा मशीन से बन की दिखा देता हूं एकदम क्लोज से भाई। ठीक है, देखना एकदम नजदीक से ना आपको हमारी गाचा मशीन दिखा देता है। देखो, देख रहा हूँ हमारी गाचा मशीन, देख रहा हूँ अभी ऐसा चावल कुछ हो रहा है, शायद कल तक मेरे को मिल जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा सामान इसमें से भाई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कुछ अच्छी सी चीज ही मेरे को मिले। बाकी आपको हमारी गाचा मशीन कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना। एंड गाइस आज का एपिसोड इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है, मिलते सीधा अगले एपिसोड में डिंकम के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। How careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.